यदि आप गाड़ियों के शौकीन हैं और नए साल में गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के बाद अपनी कार की कीमतों में इजाफा किए जाने का ऐलान किया है, जिसके बाद नए साल यानी जनवरी से कई कार की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इन बढ़ती हुई कीमतों का सबसे ज़्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मिडिल क्लास इसको किस तरीके से देख रहा है। सर, जनवरी से कारों के दाम बढ़ने वाले हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा है, मिडिल क्लास के लिए, पैसे वालों के लिए कुछ नहीं। क्या आपके पास गाड़ी है? गाड़ी है। तो नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे थे आप? सोच रहे थे, अब कैंसिल कर दिया, पुरानी ही रखी। जैसे हालात चल रहे हैं तो जैसे कारों के भी रेट बढ़ रहे हैं, और ये देखते हुए मेरा भी मन काफी टाइम से करता है कि मैं भी कार चलाऊं, लेकिन हालात और कोरोना ने ऐसा मतलब मामला कर दिया है कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, तो इस वजह से हर बार का कैंसिल हो जाता है, और लगता है इस बार भी कोरोना की वजह से कैंसिल हो पाएगा हमारा। इस साल तो मुश्किल ही है, नेक्स्ट ईयर का देखते हैं, पता नहीं ऊपर वाला कराएगा नहीं कराएगा। तो लोगों ने बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा कि वो काफ़ी लंबे समय से गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान कोरोना के चलते आई आर्थिक समस्याओं के कारण उन्होंने अपने प्लान को कुछ समय के लिए रोक दिया था, और अब जब नए साल पर वो गाड़ी खरीद सकते थे तो ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से अपनी कार के दामों में बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद उनके जेब पर बोझ बढ़ सकता है। पूनम पनौरिया, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।